सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बजाज फाइनेंस ऐप के अंदर ओटीपी नहीं आ रही है। अगर आप भी बजाज फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जब भी आप यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर डालते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हम जो है डाल रहे हैं, और मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफिकेशन कोड ओटीपी सेंड नहीं हो पाता है, और ओटीपी हमें जो है वेरीफिकेशन कोड रिसीव नहीं हो पा रहा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारी जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है ये नंबर आपने जो डाली है वो सही नंबर डाली है या नहीं। हो सकता है कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है और हम जो है नंबर अलग डाल देते हैं जो कि हमारे फ़ोन में नहीं है, तो आपके फ़ोन में नंबर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इसके जो नंबर आपने डाली उसके ऊपर मैसेज पैक वाली फैसिलिटी इनेबल होनी चाहिए, यानी कि मैसेज आने भी चाहिए और जाने भी चाहिए, तो वो भी चेक कर लेना। उसमें आपने जो रिचार्ज किया था उसमें मैसेज पैक मिला है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलती है रिसेंड ओटीपी करके, इसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ से आपका जो ओटीपी है वो दोबारा से भेज जा चुका है। सो इस टाइप से आप जो है 3 से 4 बार ट्राई कर सकते हैं, और 3 से 4 बार जब आप ट्राई करोगे तो एक ना एक टाइम आपको यहाँ पे ओटीपी रिसीव हो जाएगा। सो जैसे आपको यहाँ पे ओटीपी आएगी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा है, सो यहाँ पे आप बजाज फाइनेंस के ऐप के ऊपर लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप इन्फो में चले जाना है। ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज में नीचे आ जाना है, और स्टोरेज में जाकर यहाँ पे आपको क्लियर डेटा कर देना है। एंड सिमिलरली आपको सिमिलर वापस प्रोसेस करना है। बजाज फाइनेंस के ऐप को खोलेंगे, यहाँ पे आपको सारी परमिशन इनेबल करनी है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना, यहाँ से आप जो है सारी परमिशन अलाउ कर देना, और अपना मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करना, ओटीपी यहाँ से रिसीव हो जाएगा। सो ये सारा प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो वहाँ पे अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।